हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स, और आज हमें कोई भी इंपॉर्टेंट डे डिस्कस नहीं करना है, लेकिन आज हम अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे लगभग 3 दिन पुरानी एक न्यूज़ से जो मुझसे रह गई थी, स्किप हो गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो बच्चे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के किसी स्टेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनके लिए ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के स्टेट असेंबली या विधान सभा के स्पीकर के बारे में। इनकी अपॉइंटमेंट 3 से 4 दिन पहले हुई थी और ये न्यूज़ पता नहीं कैसे मुझसे रह गई थी, इसलिए पहले इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे, उसके बाद हम आज के करंट अफेयर्स पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर? बस यही न्यूज़ है जो रह गई थी जो आज हमें डिस्कस करनी है। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले, अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी एंड इंग्लिश में करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यहाँ पर हम जिन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंधी कम्युनिटी से हैं, उनका नाम है वासुदेव देवनानी। ठीक है, इन्हें बनाया गया है स्पीकर राजस्थान असेंबली का, तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के रूप में इनको चुना गया है, और अभी राजस्थान में 16th नंबर की असेंबली चल रही है, मतलब 16वें नंबर का ये विधानसभा अभी काम कर रहा है। अब देखिए, जब स्पीकर का चुनाव करना होता है, क्योंकि अब नए नए एमएलए बन के आए हैं, उन्हीं एमएलएस के बीच में किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा और जिसे हम क्या बनाएंगे, स्पीकर बनाएंगे। तो फॉर इलेक्शन पर्पस कि कौन सा व्यक्ति जो है वो स्पीकर होगा, तो जब नए मेंबर एमएलए बन के, मतलब एमएलए जो है वो विधानसभा में आते हैं, तो उनके बीच में से एक व्यक्ति जो कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है जनरली, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे कालीचरण शराफ को, और जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो शपथ भी करवा देते हैं और उसके बाद स्पीकर का चुनाव भी करवा देते हैं। तो स्पीकर कौन बन गए हैं, तो वासुदेव जी बन गए हैं जो कि सिंधी कम्युनिटी से हैं। क्लियर? अब यहाँ पे दो और पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। पहली है दीपिका पादुकोण। इन्हें टेक्नो, एक स्मार्टफोन ब्रांड है, टेक्नो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को, और ये फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है जिनका नाम है डीन एल्गर। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। केवल बस इतने ही पर्सन आज हमें न्यूज़ में डिस्कस करने थे, बाकी सारी बातें अब हम स्टेट की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं जहां पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल कोर्स भी जनरल अवेयरनेस का अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं फॉर 20% डिस्काउंट के लिए। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो सबसे पहली न्यूज़ हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी कंट्री की राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और लगातार थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कर्नाटका को ये अवार्ड मिला है। आप देखेंगे 2020 में, फिर 2021-22 में, और अब 2023 में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड कर्नाटका को दिया है। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे क्योंकि कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा एनर्जी इफिशियंसी के सेक्टर में कई सारे काम किए गए और कई सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो लगातार तीसरी बार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया है, आंसर हो जाएगा कर्नाटका को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 25 दिसंबर की। 25th ऑफ दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था गुड गवर्नेंस डे, ओके है। इसके अलावा अब हम एक और दिन सेलिब्रेट करेंगे 25 दिसंबर को, वो है तबला दिवस। हालांकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर किया है, एमपी के जो नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं उनके द्वारा 25 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया है तबला दिवस या फिर तबला डे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ग्वालियर ने एक और रिकॉर्ड बनाया है और अपना नाम रजिस्टर कर लिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कैसा है ये देखते हैं। न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट इन सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। तो सिटी ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है। ग्वालियर में चल रहा था तानसेन समारोह, क्योंकि आपको पता है तानसेन जी
जो कि अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, उनका रिलेशन ग्वालियर से है। तो तानसेन समारोह हर साल होता है और 99th नंबर का इंटरनेशनल तानसेन महोत्सव हो रहा था ग्वालियर में। इसी तानसेन महोत्सव के अवसर पे 1500 म्यूजिशियन ने एक साथ वंदे मातरम को तबला पे प्ले किया, ठीक है, और इस तरीके से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हुआ। इसलिए जो चीफ मिनिस्टर हैं यादव जी मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस या तबला डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय पहले ही की ही न्यूज़ है, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, सिटी ऑफ ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर को आपको पता है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक में भी शामिल किया गया, और तानसेन जी का रिलेशन भी ग्वालियर से है। तानसेन संगीत समारोह हर साल ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है, और ग्वालियर म्यूज़िक जो ग्वालियर घराना है वो फ्लरिश कब हुआ, तो ग्वालियर घराना जो फ्लरिश हुआ है वो सिंधिया और राजा मानसिंह के समय फ्लरिश हुआ है, मतलब फूला फला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बिहार पुलिस जो है वो रिफॉर्म हो रही है, उनमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं? यहाँ पर बिहार पुलिस टू लॉन्च मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज फ्रॉम 1st January 2024। तो बिहार पुलिस ने कहा है कि हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, उस मिशन का नाम है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75, जो कि 1st January से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई भी क्राइम होता है या कोई भी घटना इंसिडेंट होता है और उसकी FIR लिखवाई जाती है, तो FIR लिखवाने के 75 डेज के अंदर हम सब इन्वेस्टिगेट भी कर लेंगे, सारे एविडेंस को कलेक्ट करके, मतलब सारा जो केस है 75 डेज में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसके लिए एक मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजंस भी तैयार किए जा रहे हैं। तो बिहार पुलिस ने बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को 75 डेज में कंप्लीट करने के लिए FIR के लिखने के बाद, ठीक है, उसको 75 डेज में कंप्लीट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज। कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2024 से होगा, डिस्ट्रिक्ट के हर एक पुलिस स्टेशन में एप्लीकेबल है। चलिए अब बात करते हैं हम तेलंगाना स्टेट के बारे में, और यहाँ पर भी नए मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही बने हैं, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, आप देख सकते हैं। इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ अनाउंसमेंट किया है। पहला अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि जो गिग वर्कर्स हैं, मतलब जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, फूड डिलीवरी वाले हैं, तो वो जो वर्कर्स हैं उनको 5 लाख रुपये तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा ये जो गिग वर्कर हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 10 लाख रुपए का यहाँ पे हेल्थ कवरेज भी इन वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एंड 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज है, किसे? गिग वर्कर्स को। किसने अनाउंस किया है? तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया है। अगर हम इस स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे नया स्टेट अभी हमारे पास जो है वो यही है, जिसका फॉर्मेशन 2nd June 2014 में होता है, आंध्र प्रदेश से अलग होके। आंध्र प्रदेश भी आपको पता है 1953 में इसका फॉर्मेशन होता है, और भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। अगर हम तेलंगाना स्टेट की बात करें, इसकी कैपिटल आपको हैदराबाद मिलेगी, और स्टेट एनिमल है जिनका, मतलब एक डियर। चलिए अगली बात करते हैं अबाउट द 26th नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप। यहाँ पे 26वें नंबर का नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप लग रहा है, कहाँ पर? ईटानगर में। यहाँ पर लगभग 1500 से 2000 स्टूडेंट शामिल होंगे, और उनको बोला गया है कि आप स्काउट गाइड, NCC वगैरह जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप ज्वाइन करते हैं ना, NCC स्काउट गाइड, तो उसे ज्वाइन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये इसका बेसिकली मकसद है। तो 26वें नंबर का नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप कहाँ लग रहा है? ईटानगर में लग रहा है। 8 दिनों तक चलने वाला ये कैंपेन है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में 8 डेज तक ये कैंपेन रन होगा। इसे इनॉग्रेट किसने किया है? तो गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है सेंट्रल कैलकाटा साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ। ये जो बॉडी है इसका फॉर्मेशन 1996 में हुआ है, और यही बॉडी इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रही है। इस कैंपिंग की थीम क्या है? तो इस कैंप की थीम है विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा एंड विकसित भारत। अब देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये जो प्रोग्राम है ना, विकसित युवा विकसित भारत, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है, ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी 2015 में 31 अक्टूबर को, जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी ओकेजन में आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं अबाउट द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे, ठीक है। ईटानगर इसकी कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं। 1987 में इस स्टेट का फॉर्मेशन हो गया था। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं और फ्लावर कौन सा है, स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड। चलिए अब इस मैप को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आपको कई सारी नदियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि सतलज है, व्यास है, व्यास कुंड से व्यास रिवर निकलती है। और ये जो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे व्यास रिवर ही बह रही है, और व्यास रिवर पे आपको एक डैम देखने को मिलेगा विच इज़ पोंग डैम। तो पोंग डैम किस नदी पर है, तो पोंग डैम जो है वो व्यास नदी पर सिचुएटेड है, ठीक है। पोंग डैम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि व्यास नदी पर पोंग डैम आपको देखने को मिलेगा। और इसी पोंग डैम का जो एरिया है, यहाँ पे हर साल कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, और इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया जा चुका है। इसके अलावा ये रामसर साइट भी है, लेकिन हम इस न्यूज़ को आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैं, उनके द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया गया, जारी किया गया एक नोटिफिकेशन। उसमें ये जो 1 किलोमीटर एरिया है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो 1 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया है, उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 1 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया है, उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। इतनी चीज़ें क्लियर है। पोंग डैम लेक जो है उसे हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है जब कोई डैम आप बनाते हो तो डैम बनाने के पहले आपको, मतलब डैम आपने बनाया, एक रिजर्व वायर भी तैयार होता है, पानी वहीं पर स्टोर होता है, राइट। और फिर वही पानी जो है वह टरबाइन पे गिरा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो मैन मेड रिजर्व वायर है, जिसे आज हम पोंग डैम लेक कह रहे हैं, उसे हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पोंग डैम रिजर्व वायर एक मैन मेड रिजर्व वायर है, व्यास नदी पर सिचुएटेड है, और एक वेटलैंड जोन है शिवालिक हिल के एरिया में, ठीक है। इस एरिया को 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और पोंग डैम लेक जो एरिया है वो आप देखेंगे रामसर साइट भी है। इसे 2002 में रामसर साइट बनाया गया था, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स दिख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के कुछ और नेशनल पार्क्स के बारे में, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1999 में डिक्लेयर हुआ था ये नेशनल पार्क, और 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को दिया गया था इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने। फिर पिन वैली नेशनल पार्क आपको लाहौर एंड स्पीति में मिल जाएगा, 1987 में बना था। इंद्रकिला नेशनल पार्क एंड खीर गंगा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, डन। चलिए अब यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। चलिए तो रिपोर्ट का नाम क्लियर है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024। कई सारी एजेंसीज ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। कौन कौन सी एजेंसीज है, वीवॉक्स एसोसिएशन विद वेरियस एजेंसीज, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको आप AICTE के नाम से जानते हो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इन सब के द्वारा मिलके एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसका नाम है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी, तो थीम थी इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किलिंग एंड मोबिलिटी, ठीक है। ये साल यहाँ पर इस रिपोर्ट की थीम थी। रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया, तो रिपोर्ट में तो पहले कंडीशन बताई गई कि कितने लोग अपनी ही फील्ड में रोजगार कर रहे हैं, मतलब अपनी ही फील्ड में नौकरियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया की बात की गई, और बताया है कि जो रिक्वायर स्किल की ज़रूरत है नौकरी करने के लिए, तो ऐसा अगर यूथ देखें तो 51.25% यूथ जो है वो नौकरियां कर रहा है। लगभग 51% जो यूथ है आप देखेंगे वो यहां पर रिक्वायर्ड स्किल के साथ नौकरियां कर रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया।
वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पिछले कुछ साल में नौकरियाँ अलग अलग एज ग्रुप में की हैं, स्टेट विथ मैक्सिमम एम्प्लॉयबिलिटी, तो यहाँ पर स्टेट टॉप पर है कौन सा, तेलंगाना। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे एज ग्रुप 18 से लेकर 21, ठीक है पेन चेंज कर लेती हूँ, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, हाँ तो जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 21 का एज ग्रुप, इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो नौकरियाँ मिली हैं या सबसे ज़्यादा जो यूथ एम्प्लॉय हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, तेलंगाना में। और इस एज ग्रुप के आप देखेंगे लगभग 85% जो युवा हैं वो तेलंगाना स्टेट के वो काम कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अगली बात करते हैं, अगला एज ग्रुप उठाते हैं 26 से लेकर 29, तो 26 से लेकर 29 तक का जो एज ग्रुप है इसमें आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में। इस ग्रुप के लोग गुजरात में सबसे ज़्यादा नौकरी प्राप्त किए हुए हैं, गुजरात स्टेट के लोग, ठीक है, जो कि लगभग 78% है, ठीक है। अगर हम हाईली कंसंट्रेशन देखें कि यूथ कहाँ पर एम्प्लॉयड है, सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ पर नौकरियाँ कर रहा है, तो आपको दो स्टेट देखने को मिलेंगे हाई कंसंट्रेशन में, एक है आपका केरला स्टेट एंड सेकेंड नंबर पे है आपका तेलंगाना स्टेट, ठीक है। इसके अलावा वो बताया गया है कि अगस्त 2023 के डेटा के अनुसार, 2023 अगस्त के डेटा के अकॉर्डिंगली लगभग 4.16 लाख जो लोग हैं वो AI प्रोफेशनल हैं, और ये डेटा बढ़कर 2026 तक 1 मिलियन हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में यूथ इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिटीज़ विथ एम्प्लॉयबल टैलेंट। अब देखते हैं, ये तो हो गए स्टेट की बात है, अब बात करते हैं सिटीज़ के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो 18 से लेकर 21 के एज ग्रुप पहले हम लेते हैं, अगेन इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो यूथ आपको देखने को मिलेंगे नौकरी पेशे में वो है पुणे। आप सभी को पता है IT के लिए जाना ही जाता है पुणे, लगभग 80%। सेकेंड नंबर पर बेंगलुरु एंड थर्ड नंबर पर त्रिवेंद्रम, ठीक है, पुणे बैंगलोर एंड त्रिवेंद्रम, और पुणे और बैंगलोर तो ऑलरेडी IT हब ही कहलाते हैं। अगर हम 22 से लेकर 25 एज ग्रुप की बात करें तो सिटीज़ में आता है लखनऊ एंड मुंबई, देन बेंगलुरु, ठीक है। अब मोस्ट प्रिफर स्टेट वर्क करने के लिए क्या सिलेक्ट कर रहे हैं बोथ मेल एंड फीमेल टैलेंट, तो आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट मोस्ट प्रिफर स्टेट है वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। और कोचीन जो है वो मोस्ट प्रिफर्ड एरिया बताया जा रहा है फॉर द फीमेल वर्कर, तो ये वाली लाइन हो जाती है इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात ध्यान से समझना है हमको। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द लिथियम। सबको पता है अगर हम पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर के ग्रुप पे जाते हैं तो आपको लिथियम देखने को मिलता है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा, 3। आपकी जो बैटरीज वगैरह होती हैं, लिथियम आयन की बैटरी आपने सुनी होगी, मोबाइल फ़ोन में, कार वगैरह में यूज़ करते हैं, तो बैटरी बनाने के लिए लिथियम की ज़रूरत होती है। भारत के पास इतना ज़्यादा लिथियम रिजर्व नहीं है और ना ही हम लिथियम को इतना ज़्यादा उसकी माइनिंग करते हैं, हम मैक्सिमम जो लिथियम है वो इम्पोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा बताया है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे है और चाइना से इंडिया लिथियम को इम्पोर्ट करता है। टोटल इम्पोर्ट फाइनेंशियल 23 में $3 बिलियन का था, $3 बिलियन का लिथियम इम्पोर्ट हमने चाइना से किया था, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड के टॉप 5 लिथियम रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको मैक्सिमम लिथियम रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, डन। अब यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, तो इंडिया टू एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक इन अर्जेंटीना। तो यहाँ पर हमारा एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है काबिल। काबिल का मतलब है खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड। तो खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड का काम क्या होता है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उनको एक्सप्लोर करके उनके जो माइनिंग एरियाज़ हैं उनको ऑक्यूपाई करके वहाँ से माइनिंग प्रोडक्शन करके उनको देता है। तो उससे हमें भी फ़ायदा होता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलती है हमको, इस तरीके से एक हमारी आम है जिसका नाम है खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इंडिया टू एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक इन अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में इंडिया एक्वायर कर रहा है 5 लिथियम ब्लॉक जिनको वो क्या करेगा, माइनिंग करेगा।
ठीक है, ये हमारी इस तरीके की इंटरनेशनली सेकेंड नंबर का एक MOU है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने 2022 में इसी प्रकार की एक MOU को साइन किया था। ये जो डील फाइनलाइज हुई है वो किसके साथ हुई है? काबिल के साथ, और ऑब्वियस ये बात है अर्जेंटीना के गवर्नमेंट के साथ। खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक ज्वाइंट वेंचर है ये। किसका ज्वाइंट वेंचर है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी मतलब नालको, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, इन सबका ज्वाइंट वेंचर बेसिकली काबिल है। इसका मकसद ही आपको पता चल चुका है, मिनरल ओवरसीज मिनरल को किस तरीके से इंडिया में यूजेबल बनाए और उनकी माइनिंग करें, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में उनके जो माइनिंग एरियाज हैं उनको ब्लॉक को एक्वायर करके वहाँ पर हम काम करते हैं। अब यहाँ पर एक जो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपको मिलेगा वो है लिथियम ट्रायंगल। अगर अर्जेंटीना चिली एंड बोलीबिया, अर्जेंटीना चिली और बोलीबिया को मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। अर्जेंटीना जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व को रखता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये बेसिकली इसके बारे में बात हो रही थी, बोलीबिया चिली और अर्जेंटीना, ये जो एरिया है ये लिथियम रिजर्व के लिए जाना जाता है और इसे लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ओपेक। अब एक और कंट्री है जो ओपेक से एग्जिट लेना चाहती है और 1 जनवरी तक एग्जिट ले लेगी। कौन सी कंट्री है? अंगोला। इसके पहले भी कुछ कंट्रीज ने ओपेक से एग्जिट लिया है। अब फाइनली यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट किया गया है बाय द अंगोला गवर्नमेंट कि हम भी जनवरी तक ओपेक से क्विट कर लेंगे, एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंट्री दिख रही है विच इज़ अंगोला, अटलांटिक ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए। तो अंगोला इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब ओपेक, जो कि इफेक्ट में आ जाएगा 1 जनवरी 2024 से। इसके पहले 2020 में इक्वाडोर एंड 2019 में कतर ने भी ओपेक को छोड़ा था, लीव किया था। अंगोला की बात करें तो इसने ओपेक को 2007 में ज्वाइन किया था और ओपेक एक उन देशों का संगठन है जिनके पास ऑयल सोर्सेज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज का एक संगठन है और ये लोग मिलके बेसिकली ऑयल की जो कीमतें होते हैं, प्राइस होते हैं, उनको डिसाइड करते हैं। ओपेक का फॉर्मेशन 1960 में हुआ था और 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक। इसके बाद कुछ और ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल सोर्सेज हैं, तो उन सब ने मिलके, मतलब जो नॉन ओपेक मेंबर्स हैं उन सब ने मिलके एक और ग्रुप बनाया था ओपेक प्लस। तो ओपेक और ओपेक प्लस 2017 से साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दो नई क्रूज मिसाइल के बारे में जो चर्चा में है। ठीक है, पहली मिसाइल आप देख रहे हैं मिसाइल नासी। ठीक है, इसको भी लॉन्च किया गया है ईरान ने। तो ईरान ने रिसेंटली दो क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है। उनका नाम, एक का नाम तो नासिर है या नासी है, दूसरे का नाम है तलही, तलहिया एंड नासिर। इन दोनों क्रूज मिसाइल को ईरान ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगर पहली मिसाइल के बारे में बात करें जिसका नाम है तलहिया मिसाइल, इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और कैपेबल है कि ड्यूरिंग द ट्रेवल वी अपने टारगेट को, मतलब अपने रास्ते को चेंज करने में कैपेबल है। इसको फुली स्मार्ट क्रूज मिसाइल भी कहा जा रहा है। दूसरा है नासी या फिर नासिर जो मिसाइल है वो 100 किलोमीटर की रेंज रखती है और इसको वॉरशिप्स पर इंस्टॉल किया जाएगा। ईरान की कैपिटल तेहरान है और रियाल वहाँ पर करेंसी मिल जाएगी। चलिए अब अगला एक जो स्टेटमेंट आया है सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस बात को करने से पहले थोड़ी सी बातें मेरी सुन लो। देखिए, आप लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। जब आप किसी शेयर को लेते हो तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में कुछ समय लगता है। अगर हम किसी शेयर को बेचते हैं तो वो अमाउंट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में कुछ समय लगता है। अगर हम 1992 के पहले जाते हैं तो ये जो साइकिल थी वो आपकी T+15 साइकिल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में इसको चेंज किया, T+5 किया, 2002 में T+3 पहुँचे, फिर T+2 और लास्ट ईयर ही आप जनवरी 23 में देखेंगे, जनवरी फरवरी में, तो T+1 में हम पहुंच गए थे। T+1 का मतलब है कि सेटलमेंट होने में आपको एक दिन मतलब 24 घंटे का समय लगेगा। अगर आप आज आप अपने अकाउंट से कोई शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट होने में एक दिन का समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेबी ने बोला है कि जनवरी से हम
फेज्ड मैनर में, जनवरी से हम फेज मैनर में T+0 कर देंगे, मतलब सेम डे पे हम सेटलमेंट करेंगे। आज आपने कोई शेयर खरीदा है तो आज ही के आज वो शेयर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आज आप कोई शेयर बेचते हैं तो जो प्राइस आपको मिला है, जो पैसे मिले हैं, वो आज ही के आज आपके अकाउंट में दिखने लगेंगे। तो T+0 सेटलमेंट का अनाउंसमेंट सेबी ने किया है, इसे फेज्ड मैनर में लॉन्च किया जाएगा, ऐसा सेबी ने कहा है। अब यहाँ पे कुछ हम शॉर्ट न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जियो मार्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और जियो मार्ट क्या करेगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके प्रोडक्ट के इन्हांसमेंट में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिच रेटिंग। तो फिच ने कहा है कि भारत की जो GDP या भारत की ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। ओके, इन्होंने कहा है 2024-25 में भारत की जो GDP ग्रोथ होगी वो 6.5% होगी, और करेंट फिजिकल ईयर में, करेंट फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में GDP भारत की 6.9% रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो की न्यूज़ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है एस सोमनाथ, इन्होंने अनाउंस किया है कि आदित्य L1 6 जनवरी को अपने L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आदित्य L1 आप सभी को पता है हमारा पहला सोलर मिशन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंडिया की पहली AI सिटी बनाने जा रही है लखनऊ को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को $1.35 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है मजदूर का हित मजदूरों को समर्पित, ये प्रोग्राम वर्चुअली लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड कर्नाटका को मिला है, लगातार तीसरी बार ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट है अगली पोएट है जिनका नाम है सुकृता पॉल कुमार, इनको रिसेंटली आपको पता है ना रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज दिया गया है, किस पोएम के लिए या किस नोवेल के लिए, आंसर हो जाएगा सॉल्ट एंड पेपर। नेक्स्ट, कल मैंने एक प्लेयर के बारे में आपको बताया था जिनका नाम है अनमोल खरप, किस से एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। ओपेक को एग्जिट करने का फैसला किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा अंगोला ने। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का टाइटल किसने अपने नाम किया है। चार ऑप्शन है, जो सही आंसर आपको लगता है वो आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।